हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए दिन एक और नए ब्लॉग में। क्या ही मस्त ठंड है, मतलब कि 2-3 डिग्री होगा वेदर, नहीं 2-3 तो नहीं, 8-7-8 होगा। हाथ बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है कि नहीं है, इतनी ठंड हो रही है। आई एम ऑल सेट एंड रेडी काम पे जाने के लिए, वही काले काले कपड़े। सबसे पहले मुझे जंपिंग करनी है, थोड़ी सी जंपिंग करूँगा फिर काम पे जाएंगे। इतने ऐसे लग रहा है, पता नहीं छुट्टी लिए सदियाँ बीत गई हैं। जनरली ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी आए थे, इस बार मैंने सोचा था बर्थडे पे लूँगा जो कि कल है, तो कल का दिन होगा छुट्टी का दिन, अपना रेस्ट करने वाला हूँ मैं। वैसे एज सच कोई प्लान है नहीं मेरा, कुछ आया हुआ वो सब मैं दिखाऊँगा आपको, कल ही देखेंगे सारा। अभी मैं मिलता हूँ आपको काम पे जाके। तो ये एक गिफ्ट जो प्रेशा ने भेजा मेरे लिए, तो अभी ये आ चुका है। मुझे इतनी चुल मच रही है इसको खोलने की, पर खोल नहीं सकता, आपको पता ही है क्यों। आज रात को खोलेंगे, आपके साथ ही अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी। तो आज सुबह से स्टोर पे लाइट नहीं है, देखो पीछे अंधेरा दिख रहा होगा, फुल अंधेरा हुआ पड़ा है। ऊपर से हमारा जनरेटर नहीं चल रहा, शायद उसी का कॉल आया। रुको, कोरोना का नया वेरिएंट वापस आ गया, काफ़ी ख़तरनाक वेरिएंट है। काफ़ी चाइना में तो काफ़ी ज़्यादा इसने हड़कंप मचा दिया पहले की तरह, और यहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट शुरू हो गया। आज हमारे मोदी जी ने भी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई है, इमीडिएट मीटिंग बुलाई है सिचुएशन ख़राब होने से पहले प्रिकॉशंस लेने के लिए। मास्क वगैरह पहनना शुरू करना पड़ेगा दोबारा। आज फाइनली थोड़ी सी धूप भी निकली है, दिख रही होगी आपको। आज अपने मिस्टर ऑरेंज आया, अभी मैंने खाया नहीं है, ठहर के खाऊंगा। ठंड है, जब धूप निकलती है ठंड बढ़ जाती है। एक्चुअल में ठंड तो है ही है, पर चलो थोड़ी सी धूप भी है। ऐसा लग रहा है एग्जॉस्ट हो गया हूँ, इतने दिन हो गए छुट्टी लिए। कल फाइनली ऑफ आएगा, बर्थडे आएगा मेरा, बर्थडे आएगा, बर्थडे प्लस ऑफ आएगा, तो रेस्ट करेंगे और इन्जॉय भी करेंगे। आज मैं सब चीज़ से ऑफ ले रहा हूँ, आज मैं शॉर्ट्स भी नहीं बनाऊँगा क्योंकि मैं बहुत थका थका फील कर रहा हूँ, और ऐसे थके में बनाने का मज़ा नहीं आएगा। तो जब थोड़ी एनर्जी अगर आ गई तो शाम को बना दूँगा, अदरवाइज़ कल बनाएंगे, ठीक है। और अभी क्या करना है, अभी मैं बस बैठूँगा और टाइम पास कर दूँगा। कैसा दिन है, बिल्कुल ही कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तबीयत ही ठीक नहीं लग रही है यार। तबीयत सेट ना हो फिर ऐसे ही होता है, बहुत अजीब सा फील कर रहा हूँ। आई होप थोड़ी देर में बेटर फील करने लग जाऊँ। गुड मॉर्निंग गाइज, तो प्रीशा होगी है रेडी, और ये देखो धूप में बैठी है मस्त। तो अभी कह रहे थे कि वहाँ पे तो धूप निकल नहीं रही है 2 दिन से, और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। और ये देखो प्रीशा खेल रही है। हाय प्रीशा, प्रीशा हेलो बोल दो सबको, हेलो बोल दो प्रीशा, हाय बोल दो। खेलने में बिजी है। तो आज प्रीशा को मिला है गिफ्ट, और गिफ्ट में मिली हैं ये शू। ये दिए हैं इसके बीच वाले जो नाना हैं, इसके 3 नाना हैं, तो एक तो मेरे पापा और 2 मेरे चाचू हैं। तो जो मेरे बड़े चाचू हैं उन्होंने इसको गिफ्ट किया है, और ये देखो ये आवाज़ करते हैं, ये प्रीशा के लिए लेके आए हैं। प्रीशा कैसे लगते हैं आपको ये, आपको अच्छे लगे? ये देखो, ये देखो आपके न्यू शू, पर इसको थोड़े से अभी लूज़ हैं, तो अभी इसको आ नहीं रहे हैं, पर कुछ टाइम में जैसे 15-20 दिनों में इसको ये शू आ जाएंगे, है ना प्रीशा? आपको अच्छे लगे बोल दो, अच्छे लगे आपको? हाँ कर रही, हाँ कर रहे हो कि मना कर रहे हो, बताओ। ये हैं प्रीशा के शू, ये देखो प्रीशा इनके साथ खेल रही है। नहीं निकालने नहीं प्रीशा, नहीं नहीं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, बस थोड़े से लूज हैं, थोड़े दिनों में आ जाएंगे। इसको प्रीशा दिखा दो एक बार खड़े होके। क्या ये ठंडा मौसम है, टेम्परेचर है 12 डिग्री और मिनिमम होने वाला 6। परफेक्ट, आज की रात सबसे लंबी रात होती है साल की, और जो कल का दिन होने वाला है जो कि मेरा बर्थडे है, वो सबसे ठंडा दिन होने वाला है साल का, क्योंकि कल का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो दिखा रहा है 4 डिग्री। अब तक का जो सबसे लो जाने वाला टेम्परेचर है वो यही है। आज तो मैं सुबह से पार्क में भी शायद एक ही बार आया हूँ, पता नहीं वो भी आया कि नहीं आया, मुझे ध्यान भी नहीं है। आज पूरा दिन तबीयत ही ठीक नहीं रही, कुछ करने का मन ही नहीं गया। अब जाके एक शॉर्ट शूट किया, ओके ओके है वो भी, मतलब इतनी मुझे पसंद नहीं आई, बट चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अभी मुझे क्वालिटी पे थोड़ा काम करना है, मुझे लग रहा है कि आई नीड टू इम्प्रूव माई क्वालिटी। तो क्वालिटी के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए पैसा,
पैसा कमाने के लिए चाहिए, पैसा कमा तो रहे हैं बट यू नो पैसा और इसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए और जो पैसा चाहिए, वो चैनल चलेगा तो चैनल में इन्वेस्ट करेंगे। अभी जो मेरे रिसोर्सेज ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, क्वालिटी तो इम्प्रूव करता ही रहूँगा। अगर ऐसे क्वालिटी नहीं इम्प्रूव हो रही तो कंटेंट की क्वालिटी इम्प्रूव करूँगा जो मेरे हाथ में है। देखते हैं कल बर्थडे पे आप लोगों से मुझे क्या गिफ्ट मिलता है। एक ही गिफ्ट चाहिए वैसे तो आपसे मुझे, सब्सक्राइब कर लो चैनल को दबा के। देखते हैं कल मुझे मेरा गिफ्ट देते हो कि नहीं देते हो। भाई जैसे हम सब्जी खरीदते हैं, या शायद सब्जी भी नहीं खरीदते हैं, वैसे अपने अंबानी और अडानी भैया बिजनेसेस खरीदते हैं। अभी अंबानी जी ने बिज़नेस ख़रीदा 2900 करोड़ का, 2900 करोड़ का मेट्रो कैश एंड कैरी, पूरा का पूरा मेट्रो कैश एंड कैरी ले लिया। सही है भैया, पैसा हो तो ऐसा हो कि तुम्हें गाड़ी वाड़ी खरीदने का नहीं, पूरी की पूरी कंपनी खरीदने का शौक हो। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अंबानी। द रणवीर शो का नया एपिसोड आया, एक्चुअली पार्ट टू आया, जो एक पहले तंत्र मंत्र वाला एक एपिसोड था, मैंने डाला भी था वो, उसी का सेकंड पार्ट आया और वो सेकंड पार्ट एक नए एपिसोड का प्रीक्वल बन गया। मतलब आप उसको सुनो अगर आपका इंटरेस्ट है अपना भगवान में, उस नॉलेज को गेन करने में, एक्चुअल डीप डिग करने में कि ये सब है क्या, कैसे है, क्या नहीं है, तंत्र मंत्र भगवान और वो सब। तो मतलब जब आप उसको सुनते हो ना, एक अलग ही टाइप की एनर्जी आपको यू नो सराउंड करती है। वैसे वो एपिसोड इंग्लिश में है बट आप उसको सुनने बैठोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं वो एपिसोड इंग्लिश में, आपको लगेगा कि बस वो उसकी कोई लैंग्वेज ही नहीं लगेगी, बस वो आपको लगेगा कि वो वर्ड निकल रहा है और आपके दिमाग में घुस रहे हैं। ये मेरा वैसे पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो मतलब पूरा जैसे उसका तकरीबन हर एपिसोड होता ही है, पूरा दिमाग घुमा देना, और पीछे से ऐसे लाइट पड़ रही है जैसे स्पॉटलाइट पड़ रही होती है। वाओ देख रहे हो पीछे मेरे लाइट्स, कैमरा, एक्शन। भाई इसको कैसे हटाऊं मैं, बहुत जबरदस्त पीछे वाले ने हाई बीम की हुई है, तो ये नहीं समझ आता साला हाई बीम पे क्यों चलाते हो, लो बीम पे गाड़ी चलानी होती है। इसका एक्चुअल में फाइन भी है, चलान भी है अगर आप हाई बीम पे गाड़ी चलाते हो, पर कोई रूल फॉलो ही नहीं करता। कंपनीज को इसके लिए कुछ करना चाहिए। वहाँ के हाई बीम के लाइट के ऊपर ब्लैक कलर के स्टिकर आते थे, अगर किसी को याद है पुरानी गाड़ियों में, उससे जो आपकी हाई बीम आंखों में नहीं पड़ती थी, पर आजकल किसी को किसी इस चीज़ की परवाह ही नहीं है। 90% ऑफ द लोग जो है हाई बीम पे गाड़ी चलाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे अकॉर्डिंग, सामने कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो लो बीम पे गाड़ी चलाओ, लिमिट में, स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाओ और आराम से चलाओ। जहाँ पहुँचना है आराम से पहुँच जाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। ड्राइव सेफ। तो अनबॉक्सिंग करना है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, और ये जो कीबोर्ड बार बार ख़राब हो रहा है और वापस आ रहा है, इससे मुझे अनबॉक्सिंग करने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले फ़ोन टिका देते हैं, रुको। ये लो, तो ये रहा अपना कीबोर्ड। गिफ्ट नहीं है, पता मुझे कल बर्थडे है पर ये बर्थडे का गिफ्ट नहीं है। ये मेरा कीबोर्ड आना था, वही आया। तो यार ये देसी ट्राईपॉड पे टिक नहीं रहा फ़ोन। तो सबसे पहले अपना देसी ट्राईपॉड दिखा दो। ये अपना देसी ट्राईपॉड और ये अपना देसी चाकू चाबी। सबसे पहले इसका ASMR भी देना आपको, रुको पास आके करता हूँ। और वैसे ये करने में भी बड़ा मज़ा आता है, आपने भी किया होगा बचपन में। पटाखे भी जाते होते थे पर ये बजे ही नहीं, चलो इग्नोर करो। कीबोर्ड देखे क्या किया इस बार इन्होंने, ऐसे तो वैसे क्या ही पता चलेगा। वैसे
भाई मेरे वाला कीबोर्ड दोबारा वापस भेज दिया, पता नहीं इसको ठीक किया क्या किया क्या नहीं किया, भगवान जानते हैं। आई होप ये इस बार अच्छे से चल जाए। वैसे ये फायर ब्लेड का था जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। ये मेरा कीबोर्ड आ गया वापस गेमिंग वाला, आई होप ये सही से चल जाए। कुछ तो किया ना शायद ये चेंज किया कि क्या किया, आई डोंट नो, कुछ तो किया लग रहा है इसको। चलो अनबॉक्सिंग डन, बाकी करेंगे राती 12 बजे जो आपको मेरे बर्थडे वाले व्लॉग में देखेगी। आज के लिए टाटा बाय बाय सी यू, कल मिलते हैं आपसे एक और नए दिन और मेरे बर्थडे वाले व्लॉग के साथ। जाओ जाके शॉर्ट्स एंजॉय करो, बाय बाय, गुड नाइट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मेरा बर्थडे का गिफ्ट दे दो, शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो।